हेलो एवरीवन, इस क्लास में हम लोग बात करेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में। और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का पहला पॉइंट है, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज एटम्स। मतलब कि जितना भी मैटर है वो सारे एक स्मॉल पार्टिकल से बने हुए हैं और उस स्मॉल पार्टिकल्स को एटम्स कहा जाता है। दूसरा पॉइंट था, एटम्स आर द अल्टीमेट पार्टिकल्स ऑफ मैटर एंड कैन नॉट बी फिदर सब डिवाइडेड इंटू स्मॉलर पार्टिकल्स। मतलब एटम्स इतना छोटा पार्टिकल्स है जिसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता है, ऐसा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का कहना था। ठीक है, उसके बाद एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग ए फिजिकल चेंज और ए केमिकल रिएक्शन। मतलब फिजिकल चेंज, हम लोग एटम्स को तोड़ के उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं और ना ही केमिकल रिएक्शन के द्वारा कुछ केमिकल मिला के हम लोग एटम्स को क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा कहना था तीसरा पॉइंट में। ठीक है, ऑल एटम्स ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। दिस मीन्स दैट दे हैव सेम मास साइज एंड आल्सो सेम केमिकल प्रॉपर्टी। देखिए, जैसे कि आयरन, अगर आयरन का हम लोग एटम्स का बात करेंगे तो आयरन के अंदर में जितना भी एटम्स मौजूद है वो सब सेम होगा इन ऑल रिस्पेक्ट। मतलब उनका साइज सेम होगा, मास सेम होगा और जो उनका केमिकल प्रॉपर्टी होगा वो भी सेम होगा। उसी प्रकार से एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस साइज एंड आल्सो केमिकल प्रॉपर्टी। उसी प्रकार से अगर हम लोग आयरन और सिल्वर को ले तो अगर आयरन का एटम्स और सिल्वर का एटम्स के बीच में तुलना किया जाए तो दोनों का मास साइज और केमिकल प्रॉपर्टी जो रहेगा अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। उसके बाद एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन। मतलब जो बॉन्डिंग होता है एलिमेंट्स के बीच में तो उसमें पार्ट्स कौन लेता है, एटम्स लेता है पार्ट। ठीक है, उसके बाद एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट कॉम्बाइंड इन सेम ए स्मॉल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड। जैसे कि दो एलिमेंट्स मिलके क्या बनते हैं, दो एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनते हैं और दो एलिमेंट्स मिलके क्या बनते हैं, कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है ना, वही चीज़ है कि एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट कॉम्बाइंड इन स्मॉल होल नंबर, उनका जो नंबर होता है स्मॉल होल नंबर होता है, मतलब 0, 1, 2, 3 ये सारा होल नंबर्स होता है, इस रेशियो में हो के वो मॉलिक्यूल्स बनते हैं कंपाउंड का। ठीक है, ठीक है, अगर आपको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।